अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम फ्यूल गैस के ऑफिस में। तो बाहर लोगों का भी कहना है, भाईजान आपके साथ क्या हुआ है बताएंगे आप जी। सर ऐसा है कि हमारा इन्होंने ये किया है कि प्रॉपर तरीके से जो बिल इनका आ रहा है, कोई बिल हमारा शॉर्ट नहीं है। अच्छा। तकरीबन पिछले 3 महीने पहले प्रीवियस हमारा इनके ऊपर बैलेंस था, तो बिल जो आता रहा वो माइनस में आ रहा था जी। फिर पिछले महीने में जो बिल आया वो भी हमने प्रॉपर भरा है। अच्छा। 800 समथिंग कुछ रुपए। अब इस महीने 18,000 रुपये लगा के इन्होंने भेज दिया कि जनाब ये आपका मीटर स्लो है। अच्छा। और स्लो मीटर चार्जेज है, जबकि हमें पता ही नहीं है कि इन्होंने मीटर चेंज कब किया। सही। खुद चेंज किया खुद, और इवन के अभी अगर आप उस मीटर को जाके देखें तो वो पहले मीटर की बनिस्बत तेज़ चल रहा है, जबकि ये कह रहे हैं जी स्लो है। आपका हुकूमत से क्या कहना है आपका? हुकूमत ये कहना है कि 18,000 रुपये एक बंदे की तनख्वाह नहीं होती, और 18,000 का बिल भेज दिया बिला वजह। अच्छा, आप देख सकते हैं सर, ये मैं सारी रीडिंग भी लिख के लाया हूँ, और ये पिछले बिल भी लेके आया हूँ। ये देखें ये बिल है। अब ये देखें, पहले 3,173 इन्होंने माइनस में कि भाई आपके ऊपर कुछ नहीं बन रहा है। सही। ठीक है, ये हमारे पैसे इनकी तरफ थे। इसी तरह फिर ये अब ये इन्होंने, ये आप देख रहे हैं, अब इन्होंने लिखा है जी 1762 प्रीवियस बैलेंस भेज दिया और 17,939 रुपये करंट चार्जेस। अब ये देखें आप, इन्होंने यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है जी 2267 रुपये आपका स्लो मीटर GST है जी जी। अब ये देखें, और स्लो मीटर गैस चार्जेस क्या चीज़ के भाई। सही। तो ये हम इसी वजह से आए थे, अब ऑफिस बंद है, आज लास्ट डेट है, अब मुझे पता है गरीब बंदा क्या करेगा। सही। हालांकि गैस का महकमा पहले बहुत अच्छा था, हमें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ये अब पता नहीं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। सिर्फ यही मुकाबला है कि गरीब बंदों के साथ क्या प्रॉपर तरीके से बिल भेजा जाए, बिल्कुल तंग ना किया जाए, और ये जो बिल गलत भेजे इसको ठीक करके भेजा जाए। बिल्कुल सही।